नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि निबंध लेखन लिखा हुआ है, तो आज का हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है निबंध लेखन। तो हम आज व्यायाम के ऊपर निबंध लिखने जा रहे हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे और व्यायाम का जो निबंध है उसको आप समझेंगे और अपनी फेयर कॉपी में उसको लिखेंगे। ओके, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो व्यायाम हर आयु के व्यक्ति के लिए लाभकारी है के परंतु विद्यार्थियों के लिए यह नितांत यानी बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। ओके, व्यायाम करने से शरीर शक्तिशाली और सुंदर बनता है। किसी ने सच ही कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। जो व्यक्ति सवेरे उठकर व्यायाम नहीं करता उसका शरीर आलसी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पहरा है हमारा, व्यायाम करने से शरीर में चुस्ती आती है, भूख बढ़ती है और खाया पिया जो हम खाते हैं ना सादे, जो खाया पिया हमारा खाना पीना होता है वह सब हजम हो जाता है।
व्यायाम करने वाले का शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। रोग उसके समीप नहीं आते। और काम करने में उसका मन लगता है। नेक्स्ट पहरा है हमारा व्यायाम का अर्थ है शरीर को एक विशेष तरीके से हिलाना डुलाना। या कसरत करना यह कई प्रकार से होता है। प्रातःकाल भ्रमण करना यानी घूमना, भ्रमण करना भी व्यायाम है। दंड पेलना यानी दंड पेलना उठक बैठक, दौड़ लगाना, कुश्ती करना, घुड़सवारी, खेलना आदि पुराने ढंग के व्यायाम हैं। आज तो अंग्रेजी ढंग के व्यायामों का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है।
बड़े बड़े नगरों में जिम खुल गए हैं, जहां युवक युवतियां व्यायाम करने जाते हैं। चौथा पैरा हमारा है फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि कुछ खेल हैं जिनके द्वारा व्यायाम हो सकता है। योगाभ्यास द्वारा भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। यह मन और मन आत्मा और शरीर को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट पैरा है हमारा व्यायाम। किसी खेल मैदान या उद्यान में करना चाहिए। परंतु व्यायाम नियम पूर्वक और अपनी शक्ति के
अनुसार करना चाहिए। पहले दिन व्यायाम थोड़ा सा करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी करत करत व्यायाम से होत शरीर बलवान, विद्या बुद्धि बल बढ़े, बात हमारी मान मान बात हमारी मान के। देखा बच्चों, मैंने आज आपको व्यायाम पे ही एक प्रस्ताव लिखवाया, निबंध लिखवाया, इसको आपने ध्यानपूर्वक समझना है। और देखा आपने कि व्यायाम करना कितना जरूरी है। व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होता है और हम निरोगी बनते हैं। तो आप सभी को चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रूटीन में डेली व्यायाम करना जरूरी है। ओके, थैंक्स।